सीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने 13वें स्थापना दिवस पर 11 सितंबर से 16 सितंबर तक शैक्षणिक उत्कृष्टता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसकी शुरुआत बीते सोमवार को विधिवत कार्यक्रम आयोजित कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कांत वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में औरंगाबाद जिले के DDC अवेंद्र मोहन सिंह और डिहरी स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल विकास प्रसाद की विशेष उपस्थिति रही। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, सीता देवी सिंह एवं सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के साथ निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर SK झा के अलावा सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस मौके पर संस्थान के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कांत वर्मा ने कहा कि कोई भी शिक्षण संस्थान जिस तरह से विद्यार्थियों के प्रति निष्ठाभाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, छात्रों को भी चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें। शिक्षक का काम जहां छात्रों को शिक्षा देना है, वहीं छात्रों का काम उससे ग्रहण करना है। शिक्षक और छात्र दोनों की जिम्मेदारी बराबर है, जिसे दोनों को ही समझना होगा। उन्होंने अपने संबोधन में सोहनलाल द्विवेदी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती का संपूर्ण पाठ कर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो चीन नींद चैन की जागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। DDC अवेंद्र मोहन सिंह और डिहरी स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल विकास प्रसाद ने भी इस मौके पर छात्रों के समक्ष अपनी मोटिवेशनल बातों को रखा। जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं उनको हम लोग फाइनेंशियल एड भी देंगे, तो राजेश जी से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जो जो स्टार्टअप्स यहाँ के बच्चे कर रहे हैं उसके संबंध में हमको जिला प्रशासन को भी आप सूचित करें और हम लोग भी आपको इसमें एक्टिवली सहयोग करेंगे और जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको हम लोग उसको किस प्रकार से कमर्शियलाइज करना है और उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकता है उसमें हम लोग एज ए फैसिलिटेटर जिला प्रशासन आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करते हैं और हमारा बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आजकल बच्चे हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। पहले यहाँ के लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज हमारे बिहार के बच्चे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तकनीकी शिक्षा के जरिए बेहतर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की बात कही। संस्थान के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने इस मौके पर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर बेहद खास है, क्योंकि आज अपने अपने क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले अति विशिष्ट लोगों का एक साथ संस्थान में आगमन हुआ है। उन्होंने माननीय कुलपति से विशेष आग्रह करते हुए छात्रों के एग्जाम सेंटर को सुगम बनाने हेतु अरथुआ से किसी शहरी क्षेत्र में शिफ्ट करने की भी अपील की।